पवित्रता के लिए हमारा आंतरिक युद्ध पवित्र जीवन जीने के लिए अंदर से हमारे लिए कठिन होता है, मुश्किल होता है। आप सब लोगों ने कभी टेलीविजन पर टीपू सुल्तान या ऐसा कोई पुराने जमाने की लड़ाई देखी है जब किला होता था? कितने लोगों ने देखा किला, किले में से लड़ाई होती थी? सामने ये तस्वीर देखिए, सामने तस्वीर देखिए, ये किला देख रहे हैं आप? अब इधर हो गया, ये किला देख रहे हैं आप लोग? इसके पीछे से क्या होता है, जो युद्ध करने वाले होते हैं इसके पीछे से अटैक करते हैं, ठीक है? वहां से ये सेना आ रही होती है और इधर से ये लोग अटैक कर रहे होते हैं। बाहर भी लोग तैयार खड़े होते हैं, ऊपर भी खड़े होके लड़ाई करते हैं। तो जो दुश्मन है वो कहां से आ रहा है? सारे जवाब देंगे, दुश्मन कहां से आ रहा है? सामने से आ रहा है। किले के अंदर दुश्मन नहीं है, दुश्मन कहां है? किले के बाहर दुश्मन है। और जब वो दुश्मन आ रहा है तो ये लोग दुश्मन को दूर से ही मारने की कोशिश कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। लेकिन सोचो, अगर अगर एक विश्वासघाती आदमी अंदर ही हो तो आप मुझे बताएं, लुक एट द स्क्रीन, सामने देखें कि किले के अंदर का अगर एक दुश्मन है वो बाहर के हजार दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक है। किले के अंदर का एक दुश्मन बाहर के हजार दुश्मनों से ज्यादा भयानक है, खतरनाक है। हमारे जीवन में ऐसा ही है। सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो जाग रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो हाथ उठा लें। मैं आप सब लोगों से और अपने आप से बोलता हूँ, हमें लगता है समस्या हमारे हमसे बाहर है। हमें लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो दूसरों में है। हमें लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी समस्या, मेरा पति मेरी प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी मेरी प्रॉब्लम है, मेरे हालात मेरे प्रॉब्लम है, इसलिए मुझसे पाप हो जाता है। क्या करूं, मेरी सास है ही ऐसी, क्या करूं, मेरा पति दुनिया में ऐसा पति किसी को ना मिले। मैं आपको नहीं पता कि मैं जहां पे काम करता हूं वहां पे बहुत कठिन एनवायरनमेंट है। मेरा एनवायरनमेंट मेरी प्रॉब्लम है, मेरे हालात, मेरे आसपास के लोग, मेरा समाज, मेरा देश, ये मेरी प्रॉब्लम है। हम लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन मैं आपको आज बोलना चाहता हूं कि प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जो इस बात को मान लेगा सचमुच वो सही रास्ता पकड़ सकता है। जब तक आप दूसरों की तरफ उंगली करेंगे कि आपके जीवन, आपका जीवन ठीक से नहीं चल रहा, आप बार बार गलती करते हैं, पाप करते हैं, गुस्से में बर्तन तोड़ देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, आपको लगता है कि समस्या आपसे बाहर है, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं कह रहा, यह सच्चाई है, यीशु मसीह ने कहा, हमारे प्रभु ने कहा, अगर हम ठीक से नहीं जी रहे हैं, समस्या किधर है? हमारे अंदर है। इसलिए बाहर फोकस करना बंद करो, बाहर की चीजों का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बाहर, मतलब बाहर कुछ भी होता रहे और हमें कोई फर्क, बाहर की चीज़ों का भी ध्यान रखना है। उसके बारे में मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा, लेकिन पहले अंदर की चीज़ों पे ध्यान दो। कहीं दुश्मन तुम्हारे अंदर तो नहीं है? और सुनो, अंदर ही है। हमारे जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए जो समस्या है वो हमारे अंदर है। किले के अंदर का एक दुश्मन बाहर के हजार दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरनाक है। देखो प्रभु यीशु ने क्या कहा, सामने आप देख सकते हैं, वचन लिखा हुआ आएगा। यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने कहा, मनुष्य के अंदर से, सारे जोर से बोलो, अंदर से, मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वही उसे अशुद्ध बनाता है। अशुद्ध हम काम करते हैं, वो कैसे करते हैं? जो हमारे, सारे बोलो, कहां से? जो अंदर से निकलता है वो हमें अशुद्ध बनाता है, क्योंकि मनुष्य के हृदय के अंदर से, मतलब मनुष्य के दिल के अंदर से ही बुरे विचार, बोलो बुरे विचार, और अनैतिक काम, बोले सारे अनैतिक काम, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, दुष्टता, छल कपट, अभद्रता, ईर्ष्या, चुगलखोरी, अहंकार और मूर्खता बाहर आते हैं। ये सारा कुछ देखा कहां से निकलता है? हमारे दिल से निकलता है। इन कामों को करने के लिए जो सामग्री होती है, द सप्लाई फॉर डूइंग ऑल दीज सिंस इज डेफिनेटली आउटसाइड, बट द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड। ये सारे काम करने के लिए जो सामान सामग्री होता है वो बाहर होता है, लेकिन उसको करने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो कहां से होती है? अंदर से होती है। समस्या बताओ फिर कहां है, अंदर है या बाहर है?
हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है. क्या लिखा है? ये सब बुरी बातें भीतर से आती हैं, मतलब अंदर से आती हैं और व्यक्ति को अशुद्ध बना देती हैं. सबसे पहली बात जो आज आप सबको अपने दिल में विश्वास करना है, मानना है, अग्री करना है, वो ये है कि समस्या आपके अंदर है, आपके दिल के अंदर है. हम आपको शुरू से क्या बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर की बातों पर इतना ध्यान मत दें. साल के शुरुआत में हमने आपको शिक्षा देना शुरू किया था, अंदर से क्या हो जाओ, अंदर से मजबूत हो जाएं, अपने भीतरी मनुष्यत्व को कल्टीवेट योर इनर मैन. व्हाट इज योर प्राइवेट लाइफ लाइक, व्हाट आर आपके आपका व्यक्तिगत, आपका गुप्त जीवन कैसा है, आपके गुप्त ख्यालात कैसे हैं. अंदर से मजबूत हो जाओ, अंदर से बदल जाओ, अंदर से परिवर्तित हो जाओ. बाहर की चीजों पर, बाहर की चीजों को उतना अहमियत मत दो जितना तुमको अंदर की चीजों के लिए अहमियत देना चाहिए. इसलिए हमने कहा था कि आप सबसे ज्यादा किसकी रक्षा करो, अपने विश्वास की रक्षा करो. सबसे ज्यादा आपके अंदर जो प्रभु बीज बोता है, वचन देता है, उसकी रक्षा करो, उसको कल्टीवेट करो, उसको बढ़ने दो. इसलिए समस्या हमारे अंदर से, अगर हम पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे हैं, समस्या आपके हालातों में, आपके परिवार के लोगों में, आपके आस पड़ोस के लोगों में नहीं है. प्रमुख रूप से समस्या सारे बोलो कहाँ है, बोलो, दम लगा के बोले, हमारे अंदर है समस्या. और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर से कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे आंतरिक दुश्मन है. सारे बोलो हमारे अंदर के दुश्मन. ओके बोलो हमारे, बोलो मेरे अंदर के दुश्मन. ओके जो आपका, हमने क्या देखा था कि किले के अंदर एक दुश्मन बाहर के हजार दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक है. हमारे अंदर पांच दुश्मन मैं आज आपको बताऊंगा. इन पांच चीजों को आप अपने अंदर ढूंढें और उन चीजों को अपने अंदर नष्ट करना है. मैं आपको बताऊंगा बाइबल का वचन जिसमें लिखा हुआ है दैट किल मर्डर दीज थिंग्स, इन चीजों को मार डालो अपने अंदर. आज मैं आपको आपके और मेरे जीवन के अंदर पाए जाने वाले पांच दुश्मन बताऊंगा जो आपको अशुद्ध बनाते हैं, जो आपसे पाप करवाते हैं, जो आपसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको चलने नहीं देते, जो आपको चुंबक की तरह आपको पकड़ लेते हैं, आपको बांध देते हैं, आपको अपना बंदी बनाना चाहते हैं. वो चीज़ें आपको नष्ट करना चाहती हैं, ये चीज़ें आपको बर्बाद करना चाहती हैं. इन चीज़ों का लक्ष्य आपको आनंद मजे दिलाना नहीं है, इन चीज़ों का लक्ष्य आपको नष्ट करना है, आपको परमेश्वर से दूर करना है, आपको परमेश्वर के राज्य में, यदि आप विश्वासी भी, इवन इफ यू आर अ बैप्टाइज क्रिश्चियन, डज नॉट मैटर, अगर आप विश्वासी, अगर आप बपतिस्मा पा चुके हैं, तब भी ये चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ें आपको परमेश्वर के राज्य में फलवंत ना हो जाएं कहीं, उस चीज़ से रोक देते हैं. They stop you from becoming fruitful. So you are there, but you are not bearing fruit. आप कलीसिया में हैं, चर्च में हैं, मेंबर हैं, म्यूजिशियन हैं, आप क्या प्रीचर हैं, आप कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में एक चीज़ नहीं है और वो है फल. And the very thing that God chose you for was to produce फल. वो चीज़ जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना था वो यही था कि आप फल लेके आओ. यूहन्ना 15:16 में यीशु ने क्या कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है ताकि तुम जाओ और फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे, टिका रहे. इसलिए इन पांच दुश्मन को आप ध्यान से देखें. ये पांच दुश्मन आपके अंदर के पांच दुश्मन जो आपको नष्ट करना चाहते हैं. सबसे पहला दुश्मन है, ये जनरल है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, व्यक्तिगत कमजोरी के पाप. सब बोलो व्यक्तिगत कमजोरी के पाप. ओके दीज आर द सिंस ऑफ पर्सनल वीकनेस. कमजोरी, देखो जो मेरी कमजोरी है, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, हालेलुया. जो मेरी कमजोरी है वो अनीता बहन की कमजोरी नहीं है, और जो अनीता बहन की कमजोरी है वो क्लारा की कमजोरी नहीं है, जो क्लारा की कमजोरी है वो इंदिरा की कमजोरी नहीं है, जो प्रखर की कमजोरी है वो स्वप्निल भैया की कमजोरी नहीं है, लेकिन हम सबके अंदर, सारे बोलो कौन, सबके अंदर एक एक कमजोरी है, शायद ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक ऐसी कमजोरी है, द सिंस ऑफ पर्सनल वीकनेस, एक ऐसा पाप जो हमारी जिंदगी में हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है. इट इज बिकम ए हैबिट फॉर अस, हमारे लिए आदत बन चुका है और हम उसके बिना रह नहीं सकते. वो हमारे लिए, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारा जीवन है एक तरीके से. हम सोच नहीं सकते उसके बिना मैं कैसे जी सकता हूँ. ठीक है मैं चर्च जाऊँगा, लेकिन मुझे इस एक चीज़ से मैं बहुत पछता रहा हूँ, कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ उस एक चीज़ से.
आपके जीवन के अंदर एक ना एक कमजोरी होगी जो पाप आप बार बार करते हो, उसको बोलते हैं हैबिचुअल सिंस, आदत बन चुके वाले पाप। वो पाप जो आपकी जिंदगी में क्या बन चुके हैं बोलो, आपकी आदत बन चुके हैं। हम जब यहाँ पे इनर हीलिंग के लिए बैठते हैं और लोग हमारे पास आते हैं एक एक करके, जब अपने गुनाहों को वो अंगीकार करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सेवा करते हैं, और जब लोग हमारे पास आते हैं हम देखते हैं कि वो उस एक या दो गुनाहों के बारे में हमको प्राइवेटली बताते हैं जो गुनाह वो 10 साल से करते आ रहे हैं। चर्च में उन्नति कर रहे हैं, बाकी सब तरीके से वो बढ़ रहा है, लेकिन उस एक पाप को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई वो एक ऐसा कमजोरी होगी जो आपसे बार बार पाप करवाती। कईयों के लिए वो शराब पीना हो सकता है, कईयों के लिए वो बहुत ज़्यादा ये स्मोकिंग क्या बोलते हैं, धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट पीना आपके लिए हो सकता है। बहुतों के लिए गाली निकालना ये पाप हो सकता है। बहुतों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल पे एक अभद्र चीज़ों को देखना, जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए मोबाइल पे या टेलीविज़न पे, जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, उन चीज़ों को देखने में बहुत लोग हैं जो बंदी बन चुके हैं, उसके गुलाम बन चुके हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। वो भी हमारे अंदर ऐसे लोग, कुछ लोग यौन के पाप, सेक्सुअल सिंस हमारे अंदर ऐसे पाप होंगे जो हम सेक्सुअल पाप करते हैं। अपने पति या पत्नी के प्रति हम वफादार नहीं हैं, दूसरों के साथ हमारा गलत संबंध चलता है, हम में से ऐसे लोग हो सकते हैं। आप सबको देखना कि कौन सा वो पाप है, कोई भी वो आदत हो सकती है, कोई भी आदत जिसके आप गुलाम बन चुके हैं, लेकिन आप उसके साथ समझौता मत करें। आप मत सोचें कि आप निकल नहीं सकते, आप मत सोचें कि आप बस, आपको तो उसके साथ रहना ही पड़ेगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, परमेश्वर हमें बदलने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपको बदला ही नहीं है तो आपने परमेश्वर का चमत्कार ही कहां देखा है। डू यू नो परमेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, हमें बदलने वाला चमत्कार, कि पहले हम कुछ और थे अब नहीं है। ये सारे जो मैंने आपको पाप बताए ना, पौलुस कुरिन्थियों की पत्री लिखता है, कुरिन्थियों को एक प्रभु के लोगों को चिट्ठी लिखता है और बोलता है, बहुत सारे पापों की लिस्ट बताता है, और पता है बाद में क्या कहता है कि तुम में से बहुत से ये काम करते थे अब नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से ऐसे, आप सब ऐसे लोग होंगे, आप सब अपनी जिंदगी में पहले जो काम करते थे अब नहीं करते हैं। और अगर आप कोई ना कोई ऐसी आदत है जिसके आप शिकार बन चुके हैं, तो अपने आप को तरस, सेल्फ पिटी मत करो कि आए हाय मैं क्या करूं, मैं तो, मुझसे होता ही नहीं है। ये शैतान आपके अंदर डाल रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर आपके अंदर कहता है आप कर सकते हैं। यदि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। वैसे भी कौन सा अपनी मदद से हम कुछ कर सकते हैं? कैन वी डू एनीथिंग ऑफ आवर ओन स्ट्रेंथ? बट इफ द स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, वाई कांट वी डू इट? क्या हम अपनी मेहनत, अपनी खुद की शक्ति से, खुद की करेज से, खुद की शक्ति से क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर परमेश्वर हमें शक्ति देता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, जिस कामों को करने के लिए वो हमें कहता है। इन एनी केस परमेश्वर हमसे वो काम करने को कभी नहीं कहेगा जो काम करने के लिए वो हमको शक्ति ना दे। तो जो काम करने के लिए वो हमसे कहता है, उस काम को करने के लिए शक्ति भी देता है। जैसे कि मैंने सोनू भाई से कहा कि हमारे चर्च में एक नया टेबल चाहिए, तो सोनू के पास पैसा नहीं है, तो मैं सोनू भाई को क्या दूंगा? पैसे दूंगा ताकि जाके टेबल को खरीद सके। परमेश्वर आपको यदि आपकी जिंदगी में पवित्र होने के लिए कहता है, तो यह कोई असंभव काम नहीं है, यह निश्चय हमारी जिंदगी में पूरा होने वाला काम है। लेकिन क्या आप उसके प्रति आप क्या आप समर्पित हैं? तो आप सबको सोचना है, आप सबके जीवन में वो कौन सा एक पाप है। पति और पत्नी आपस में इसके बारे में बात करना जरूरी है। आप या आपके मित्र या कोई ना कोई हो जो आपके कमजोरी के बारे में आपसे पाप बात करना जरूरी है। आपने अच्छे अच्छे काम किए, आपको तारीफ देने वाला भले कोई ना हो, लेकिन जो आपकी कमजोरी है उसके लिए आपके साथ बातचीत करने वाला, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा साथी होना चाहिए जो आपके साथ बात करेगा कि तू उस आदत में आजकल कैसे है, अभी भी करता है क्या। इस प्रकार आपकी जिंदगी में बात करने वाले लोग होने चाहिए। मैं आपको पिछले हफ्ते भी, उससे पहले हफ्ते भी मैंने बताया था कि कोई ना कोई ऐसा दोस्त बनाओ जो आपके जिंदगी में डायरेक्टली बात कर सके, और जो आपको आपके पाप दिखा सके, जो आपको डांट सके।
जो आपके लिए प्रार्थना कर सके, जो आपकी उन्नति को देख सके, जो आपके लिए उपवास रख के प्रार्थना करे, जिस जो आपकी जिंदगी में आपके साथ साथ चले कि आप पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। आपका पहला दुश्मन व्यक्तिगत कमजोरी के पाप, जो कि सबके लिए अलग अलग हैं। दूसरा जो हमारा आंतरिक दुश्मन है वो है क्रोध या गुस्सा। सारे बोलो क्रोध या गुस्सा। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, क्रोध पाप नहीं है। सब जोर से बोले, आप बोलेंगे ये कैसा चर्च है, यहां पे कैसे शिक्षा दे रहे हैं। क्रोध गुस्सा पाप नहीं है। देखो आप किसी को प्यार, कितने लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं, कितने लोगों को छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, हाथ उठाएं। तो आपके दिल में क्या भावना आई, प्यार की भावना। सुनो ध्यान से, जैसे प्यार एक भावना है वैसे गुस्सा भी एक भावना है। जैसे प्यार एक भावना है वैसे गुस्सा भी एक भावना है। लेकिन अपने गुस्से को संतुलित ना कर पाना, अपने गुस्से में अपने को संभालना नहीं आना, वहां पे हम पाप कर देते हैं। गुस्सा पाप नहीं है, गुस्सा आना पाप नहीं है, लेकिन गुस्से में कुछ ना कुछ ऐसा कर देना जो अनुचित है वो पाप है। इनफैक्ट जिनके अंदर गुस्सा नहीं आता वो लोग कम मजबूत लोग भी नहीं होते। ऑफकोर्स कई लोगों की ये स्ट्रेंथ होती है, कई लोगों के लिए ये उनकी मजबूती होती है कि उनको गुस्सा नहीं आता। लेकिन आम तौर पे देखा जाए तो हमें स्ट्रांग पर्सनैलिटीज चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो किसी चीज़ को लेकर के बहुत उत्तेजित हों, जिनको गुस्सा आ जाता हो, क्योंकि प्रभु को भी गुस्सा आता है। जो स्टील है, स्टील देखा है, स्टील अगर वो ढीला ढाला हो, आराम से मुड़ने वाला हो, किसी काम का है। अगर लोहा हो वो एकदम से आराम से उसे कोई तोड़ दे लकड़ी के समान, क्या वो लोहा काम का है। कहते हैं कि जैसे जो नदी जब बहती है, जब नदी बहती है तो बहती हुई नदी फसल उगाने के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर उसी नदी में एकदम जोर से बाढ़ आ जाए तो वो फसल को खराब कर देती है। उसी प्रकार हमारा गुस्सा है। गुस्से को सही तरीके से कंट्रोल कर लेना हमारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर उस गुस्से को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस गुस्से में यदि हम पाप कर देते हैं तो वो हमारे गुस्सा हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब पौलुस तीतुस को पत्री लिखता है तो वो कहता है कि हमारी जिंदगी में तीन चीजें जरूरी हैं। वो कहता है पहला है विश्वास, दूसरा धीरज और तीसरा प्यार। पॉल सेज देर आर थ्री थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, फेथ, पेशेंस एंड लव। विश्वास, धीरज और प्रेम। और आप देखेंगे कि अगर हम विश्वास को छोड़ दें, अगर हम विश्वास को साइड में रखें, तो जो धीरज और प्रेम है इन दोनों का सीधा संबंध गुस्से से है। समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए दूसरा हमारा जो दुश्मन है वो है गुस्सा। अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम अपने गुस्से में पाप कर देते हैं, और पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। गुस्सा परमेश्वर को भी आता है, विश्वास करते हैं आप। वचन में लिखा हुआ है ना, हम वो गीत गाते हैं धन्य तेरा नाम, अनुग्रहकारी तू है, करुणा निधान है, क्रोध में धीमा तू, दया में महान है। गाएं, अनुग्रहकारी तू है, करुणा निधान है। ये किसकी बात हो रही है, बोलो बोलो किसकी बात हो रही है, प्रभु की बात हो रही है। अनुग्रहकारी तू है, करुणा निधान है, क्रोध में धीमा तू, मतलब वो अच्छा है लेकिन क्रोध भी करता है। और क्या लिखा है वचन में, क्या लिखा है, क्रोध में वो क्या है, धीमा है, लेकिन एक चीज है जिसमें वो महान है, क्रोध में धीमा तू, दया में महान है। और इसी प्रकार हमें अपनी जिंदगी में बनना है। क्या बोलता है, पवित्र बनो जैसे मैं हूं, मतलब जो मेरे गुण हैं तुम्हारे अंदर हो जाएं। उसका गुण क्या है, क्रोध आता है लेकिन क्रोध में धीमा है, दया में महान है। परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते हैं इस चीज को मांगना है, परमेश्वर जैसे जैसे आप हैं, अनुग्रहकारी हैं, दया में महान है, वैसा मुझे बना दे। और अगर आपको दया में, अगर आपको अपने क्रोध में धीमा होना है, वो दो चीजों से आएगा,
अगर आपको क्रोध में धीमा बनना है वो दो चीजों से आएगा. पहला क्या है? अनुग्रहकारी, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से भरना होगा और दूसरों को अनुग्रह ग्रेस देना होगा. वो कैसे दिखता है? क्षमा करने से. हम जब दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी जिंदगी में दूसरों के प्रति हम दिखाते हैं. पहला दुश्मन क्या है? सारे बोलो हमारा पहला दुश्मन क्या है? व्यक्तिगत कमजोरी के पाप जो सबके अलग अलग हैं. दूसरा दुश्मन कौन है हमारा? क्रोध. क्रोध को ठीक से हैंडल ना कर पाना हमें बहुत बर्बाद कर सकता है. हमें परमेश्वर ने जो आपको विजन दिया है, जो दर्शन दिया है, उससे दूर लेके जाता है. और तीसरा जो आपका दुश्मन है और वो है लालच. आपके आसपास जो लोग बैठे हैं उनको बोलो कि आपका दुश्मन आपका लालच है. बोलो एक दूसरे को अच्छे से बोले. हमारा दुश्मन जो है वो हमारा लालच है. देखो सामने वचन पे देखें, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा लालच के बारे में. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, सावधान हर प्रकार के लोभ से, मतलब लालच से सतर्क रहो. हम रहते हैं हर प्रकार के लोभ से सतर्क. हम टीवी पे कोई चीज देखते हैं, हमें चाहिए. किसी और के हाथ में कोई चीज देखते हैं, हमें चाहिए. किसी और के घर में कोई चीज देखते हैं, हमें चाहिए. हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो. क्योंकि सब सतर्क क्या होता है, अगर आपको पता है कि आपके नाथूपुर गांव में तो अब आजकल नए इंटरनेशनल चोर आए हैं. आजकल रोज रात को 1 बजे के बाद चोरियां हो रही हैं. आप पता क्या करोगे? आप जल्दी 9 बजे सो जाओगे और 12:30 बजे उठ जाओगे. क्यों? आपको पता है 1 बजे चोर एक्टिव हो जाएगा. उसे बोलते हैं सतर्क रहना. क्या आप लोभ के लिए इस प्रकार सतर्क होते हो? लालच के लिए क्या इस प्रकार आप सतर्क होते हो कि यार मुझे लालच नहीं करना, परमेश्वर तू मुझे भर दे, परमेश्वर तू मेरा पेट भर, तू मेरे दिल को भर, तू मेरी सोच को भर, तू मुझे तृप्त कर दे ताकि मैं संसार की चीजों से लोभ ना करूं. बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, हर प्रकार के लालच से अलर्ट रहो, सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता. क्या शब्द है? सारे बोले, संपत्ति की अधिकता. संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता. मतलब आपका जीवन कितना धन्य है, आपका जीवन कितना ब्लेस्ड है, वो इसमें नहीं नजर आएगा कि आपके पास कितना सामान है, आपके पास कितना फर्नीचर है, आपके पास कितने कपड़े हैं. इन चीजों से आपके जीवन की धन्य, आपका जीवन धन्य है या नहीं है, इन चीजों से फैसला नहीं किया जाता. एक और देखें सामने वचन में क्या लिखा हुआ है. कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. आप दो कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन. बाइबल क्या कहती है कि तुम लोग परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. चुनना होगा परमेश्वर और धन. एक ही चीज के पीछे भाग सकते हैं. देखो आपके पैर ऐसा हो सकता है कि आप इधर को भी एक पैर उधर को भागे, एक पैर उधर को भागे, हो सकता है? संभव नहीं है. परमेश्वर इधर है, धन इधर है, आप एक ही तरफ भाग सकते हो. कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. सामने देखें एक और वचन. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु ने कहा, कि धनवान के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है. आगे देखें एक और वचन, प्रभु ने क्या कहा, बाइबल क्या कहती है. पर संसार की चिंताएं, ये नए विश्वासी लोगों के लिए है. वो लोग जो विश्वास में आ जाते हैं, जिनको 3-4 साल हुए हैं, जो नए नए विश्वास में आए हैं, और कभी कभी ये पुराने विश्वासियों के साथ भी हो जाता है. मतलब ये सारे विश्वासियों के ऊपर लागू होता है. क्या कि लोग ना विश्वास में तो आ जाते हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, चर्च के मेंबर बन जाते हैं, सत्संग आने लगते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? संसार की चिंताएं और धन का धोखा. सारे जोर से बोले, धन धोखा है. सारे बोलो, धन धोखा है. ये हमारे प्रभु ने कहा है, संसार की चिंताएं और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ. किसका? वस्तुओं का, चीजों का लोभ. वस्तुओं का लोभ वचन को क्या कर देता है? दबा देता है. हमारे अंदर वचन जाता है ना, लेकिन हमारे अंदर क्या चीज है जो वचन को नष्ट कर देती है, जो वचन को दबा देती है? संसार की चिंताएं, धन का
धोखा और अन्य वस्तुओं के लिए लालच, चीजों के लिए लालच, वो हमारे अंदर वचन को दबा देती है, जिससे कि वो निष्फल हो जाता है या निष्फल हो जाता है। एक और सामने वचन देखें, बाइबल कहती है धनवान बनने के लिए खून पसीना ना बहा, अमीर होने के लिए खून पसीना ना बहा, इस पर अधिक ध्यान देना छोड़ दे, जब तू उस पर दृष्टि डाले तो क्या वह लुप्त ना हो जाएगा, क्योंकि धन तो निश्चय ही पंख लगाकर उकाब पक्षी के समान आकाश की ओर उड़ जाता है। मतलब आपका धन आपसे अलग हो सकता हो जाता है, जब आपका जीवन खत्म हो जाता है आप अपने धन से अलग हो जाते हैं, और जब धन आपके पास भी आ जाता है आपको शांति तब भी नहीं मिलती है। इसलिए खून पसीना मत बहा अमीर होने के लिए, इसका मतलब हम मेहनत करना छोड़ दें, हम सपने संजोना छोड़ दें, हम क्या ज़्यादा तनख्वाह की नौकरी पाना छोड़ दें, बात उसकी नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है, तो धन के लिए पागल मत हो जा। ये वचन सिखाता है धन के लिए पागल मत हो जा। कभी भी तुझे जितना धन तुझे चाहिए तुझे कभी मिलेगा ही नहीं, पता क्यों? देखो सामने क्या लिखा है, वचन कहता है जो रुपए पैसे से प्रेम करता है वो रुपए पैसे से संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए तुम खून पसीना मत बहाओ इतना ज़्यादा, जब क्योंकि जब तुम्हारे पास आ जाएगा ना तुम संतुष्ट नहीं हो जाओगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई दुनिया में ऐसा बंदा होगा जो आपसे ज़्यादा धनवान होगा, हमेशा कोई ऐसी रकम होगी जो दूसरे के मुकाबले आपके पास कम होगी, तो आप वहां जाना चाहते हैं। इसीलिए जो रुपए पैसे से प्रेम करता है वो पैसों से संतुष्ट नहीं होगा, और ना ही वो जो संपन्नता से प्रेम करता है उसके लाभ से संतुष्ट होगा, ये भी व्यर्थ है। एक और वचन देखें, इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, मरा हुआ समझना है इन चीजों को, किन चीजों को? व्यभिचार, मेरे पीछे बोलो व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ। लोभ एक ऐसी चीज है जिसको बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने अंदर लोभ को मार दे, खत्म कर दे, उसको नष्ट कर दे। इनफैक्ट यहां पर लिखा हुआ है कि लोभ जो क्या है, मूर्ति पूजा है। हमें लगता है कि मूर्तियां मूर्तियों की पूजा करना ही मूर्ति पूजा है, नहीं। अगर आप लालच करते हो तो जिस चीज का आप लालच कर रहे हो वो चीज आपके लिए मूर्ति है। इसका मतलब अभी भी हम विश्वासी लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जिस चीज के लिए तुम्हारा दिल तड़पता है वो चीज तुम्हारे लिए मूर्ति है। बाइबल कहती है कि अपने अंदर इन चीजों को मार डालो। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कुछ लोगों का, जिन लोगों को बहुत धन मिल गया लेकिन उन लोगों ने अपना जीवन, अपनी बुलाहट, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो मकसद उनको मिला था, जो पर्पस मिला था, सब कुछ नष्ट हो गया, अपना जीवन उनका वेस्ट हो गया, जीवन समाप्त हो गया। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं लूत नाम का आदमी जो अब्राहम का भतीजा था। अब्राहम और लूत दोनों अमीर हो गए और उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई, उनका एक साथ रहना उचित ना था, वो अलग अलग हो गए। जब बंटवारा हुआ तो चाचा ने अपने भतीजे से कहा कि तुझे जो ज़मीन चाहिए ले ले, उसने वो ज़मीन ली जो सब बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में वो उस धनवान बन गया बहुत ज़्यादा, और वो अपने ही धन में फंस गया, और उसके ऊपर दूसरे जगह के राजा ने आके वार कर दिया, उसकी जान खतरे में थी, वो धन उसे बचा नहीं पाया और वो अपनी जान के लिए मोहताज हो गया। उसके चाचा को अब्राहम को अपने क्षेत्र से आके इसके क्षेत्र में उसको बचाने के लिए आना पड़ा, और प्रभु की दया इतनी हुई कि लूत बच गया, साथ में उसकी बीवी भी आ गई। लेकिन आपने देखा किस प्रकार की, वो इतना बड़ा धन, उसको बहुत अच्छी ज़मीन, पूरा का पूरा खूब बड़ा इलाका उसको मिल गया, लेकिन वो धन उसके काम नहीं आया जब उसके बुरे दिन आ गए। उसकी पत्नी के साथ तो मैं मानता हूँ और भी बुरा हुआ, उसकी पत्नी जब उसके साथ जान बचाने के लिए भागी तो पीछे शायद उसका पर्स रह गया होगा, शायद उसका एटीएम कार्ड रह गया होगा, शायद उसके मोबाइल का चार्जर रह गया होगा। तो लिखा है कि उसने पीछे मुड़ के देखा, और क्योंकि उसने पीछे मुड़ के देखा वहीं पर परमेश्वर का इंस्टेंट न्याय हो गया, और वो एक नमक के खंभे के समान बन के वहीं पर रह गई। किस प्रकार जीवन नष्ट हुआ लोभ के कारण, उसे अपनी जान बचती हुई भी अच्छी नहीं लगी, समझ रहे हैं आप?
उसकी जान खतरे में थी, वो दोनों मरने वाले थे। अब्राहम की दया हुई, अब्राहम ने उन, हालांकि अब्राहम गुस्सा मान के बैठ सकता था कि इसने मुझे, मैं चाचा था, मैं बड़ा था, मेरा अधिकार इसने छीन लिया, लेकिन फिर भी वो उससे प्रेम करता था, उसको बचाने के लिए आया, दोनों की जान बच गई। लेकिन फिर भी लोभ इतना ज़्यादा हमारे लिए, क्योंकि हम उस लोभ को अपने, अभी आप जानते हैं दिल्ली में 2 महीने पहले क्या हुआ, सरदार लोग थे, 2 भाई थे 3 भाई थे, 2 के बीच में युद्ध में लड़ाई हो गई, और अपने ही घर के सामने एक दूसरे को गोली मार दी, दोनों मर गए। किस प्रकार, सिर्फ धन लोभ के पीछे, क्योंकि उनकी मकान था 4 मंजिला, तो ये तेरी मंजिल है, ये मेरी मंजिल है, तूने मेरे घर के आगे गाड़ी क्यों खड़ी की, इन चीज़ों के पीछे 2 भाइयों का कत्ल हो गया और 2 परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए। सो लूत की जिंदगी से हम देखते हैं किस प्रकार उसका जीवन, धन दौलत उसको बचा नहीं पाया। एक और हम कहानी देखते हैं, जब आकन नाम का एक आदमी है, उसकी हम कहानी देखते हैं, जब यरीहो की दीवार गिर गई तो उसने क्या किया, उस परमेश्वर के लोग मिस्र से निकल के इज़राइल देश में जा रहे हैं, रास्ते में एक बहुत बड़ा युद्ध का उनको सामना करना पड़ा। उसने क्या किया आकन ने, उसने, उस परमेश्वर ने कहा था तुम इन अन्य जातियों के लोगों का कुछ भी सामान नहीं उठाओगे, लेकिन अच्छा अच्छा सामान था। सोचो कोई घर है, उस घर के अंदर 25 किलो सोना पड़ा, कितना किलो मुझे नहीं पता, कितना होता है 25 किलो, मान लो इतना होगा, ठीक है, 25 किलो सोना उस घर में पड़ा हुआ है, और भूचाल आ गया, ठीक, भूकंप आ गया और घर टूट गया, और सत्संग खत्म हो रही है, और सत्संग के लोग जा रहे हैं, और वो जो भूकंप आया है उससे घर टूट गया, तो जो जिस अलमारी में सोना रखा हुआ था वो नज़र आ रहा है कई लोगों को, तो मोबाइल का टॉर्च ले लेके ना अनीता बहन, सतबीर इधर आओ जल्दी से, मैं कह रहा, मतलब वहाँ से सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें क्या पता मिल जाएं। हमारे लिए वही उस आदमी के साथ हुआ, उस सब कुछ, यरीहो की दीवार टूट गई, परमेश्वर ने मना किया था तुम अन्य जातियों का धन नहीं उठाओगे, उसके मन में लालच आ गया, उसने पूरे चांदी का पूरा गुट उठा लिया, सोने का भी गुट उठा लिया, यहां तक कि एक कुर्ता मिला उसने वो भी नहीं छोड़ा, बाबुल का एक बड़ा अच्छा कुर्ता था वो भी उसने उठा लिया, और उसके बाद जब वो लोग और उसने छुपा लिया अपने सामान में, उसने उसको छुपा लिया, लालच, जिस चीज का किया वो चीज मिल गई, छुपा लिया, जब वो लोग आगे जा रहे हैं तो अगला युद्ध उनका सामना करना पड़ा, एआई शहर का नाम का, वहां पे प्रभु के लोग हार गए। जब प्रभु के लोग हार गए तो यहोशू जो उनका लीडर है उसको शक हुआ किसी ना किसी ने कुछ गड़बड़ की है, कोई ना कोई है इस पूरे झुंड में से जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। बाद में आकन पकड़ा गया और आग के साथ वो नष्ट हो गया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि लालच पूरा हो गया लेकिन जिंदगी नहीं बची। लूत के साथ भी ये लालच पूरा हो गया, जिंदगी नहीं बची और धन बचा नहीं पाया। आकन का लालच पूरा हो गया लेकिन जिंदगी नहीं बची, जीवन नष्ट हो गया। तीसरा हम देखते हैं शामुएल के पुत्र, शामुएल बाइबल का, मेरे लिए पुराने नियम का शामुएल वन ऑफ माई फेवरेट व्यक्ति है, इज्जत पाया हुआ आदमी, परमेश्वर के लोगों से प्यार करने वाला आदमी, रिटायरमेंट के बाद भी, उसकी अभी पदवी खत्म हो गई है, रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने घर में बैठकर परमेश्वर के लोगों के लिए पवित्र होकर के पवित्र परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता है। एक्सीलेंट जीवन शमूएल के जीवन का हम देखते हैं बाइबल में, लेकिन उसके बेटे, जब उसके बेटों को वो गद्दी मिल गई, जब उसके बेटे राज करने लगे तो उसके बेटे लोगों से घूस लेने लगे, ब्राइब लेने लगे। बाप इतना अच्छा लेकिन बेटे धन के लोभ में बिल्कुल तबाह हो गए, और इतने अच्छे बाप का नाम खराब हो गया इन 2 बेटों के कारण, और देश के लोगों ने आके कहा कि शमूएल तू तो बढ़िया था हमारे लिए, लेकिन तेरे बेटे बेकार हैं, ये ना घूस लेते हैं, बहुत लालच करते हैं, और उन लोगों ने अपने उनको पद से निकाल दिया गया, और इस प्रकार इज़राइल का पहला राजा शाऊल प्रभु के लोगों को मिला, जो भी वो भी एक डिज़ास्टर था।
तो हम देखते हैं किस प्रकार अगर हम लालच करते हैं, हम अपने परिवार का भी नाम खराब कर सकते हैं, अपने कलीसिया का नाम खराब कर सकते हैं, अपने परमेश्वर पिता का नाम खराब कर सकते हैं। हमने पिछले 10 साल से अच्छा मसीही जीवन जिया है, लेकिन आज यदि हम पैसों के लोभ में पड़ गए, हमारे 10 साल की जो अच्छी गवाही है वो नष्ट हो सकती है। अगर आज हम पैसों से प्रेम करने लगे, पागल हो जाएं, कुछ भी करें पैसों के लिए, हम अच्छे बुरे का सोचते नहीं है, पैसों पैसा ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो मैं पिछले 2007 से मैं विश्वास में आया था, 2007 से लेके 2018 तक 11 साल की मेरी गवाही आप लोगों के सामने, लोगों के सामने, संसार के सामने नष्ट हो जाएगी अगर मैं पैसे के पीछे भागने लग गया तो। और अगर मेरा जीवन लोभ, लालच वाला जीवन, अगर आप मेरे को लालची समझते हैं तो आप मेरे प्रचार का कुछ असर होगा आपके ऊपर, बताइए। अगर आप अगर आपकी नज़रों में आपका पास्टर लालची है तो क्या मेरे प्रचार का आपके ऊपर कुछ भी असर होगा? सुनो, आपकी ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपके बच्चे आपको सिर्फ दिन रात आपके घर में धन दौलत और पैसे और इन सब चीज़ों की बातचीत होती है, तो आपके बच्चे जब आपके मुंह से बाइबल की कहानी सुनेंगे ना, उनके ऊपर कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि आपके बच्चे आपके घर में सिर्फ धन दौलत की बातें सुनते हैं। और फॉर्मेलिटी के वास्ते रात को 5 मिनट आप यीशु यीशु का नाम जप लेंगे तो दिन भर का आपका जीवन आपके बच्चे देखते हैं। दिन भर आप जो बातें आपस में पति पत्नी परिवार के लोग करते हैं आपके बच्चे सुनते हैं। और इस प्रकार यदि यदि लोभ आपके जीवन को दर्शाता है तो आपके बच्चों के लिए आप कोई अच्छा प्रमाण नहीं बन रहे हैं, अच्छा उदाहरण नहीं बन रहे हैं। इसलिए लालच से बच के रहें। इनफैक्ट बच्चों से बात करें कि बच्चों ये संसार टेम्प्ररी है, ये संसार की चीज़ें बच्चों टेम्प्ररी है, ये चीज़ें अगर हमारे पास हैं गॉड इज़ गुड, खुदा का धन्यवाद, लेकिन बच्चों अगर ये चीज़ें संसार की चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो भी हमारा खुदा महान है और हम हमारे प्रभु के पीछे चलेंगे। इन बातों की चिंता करो और इन बातों की चर्चा करो अपने घर में। शमूएल के बच्चे बर्बाद हो गए, रिच यंग मैन, अमीर आदमी, धनी आदमी जो यीशु के पास आया, जवान अमीर लड़का जो यीशु के पास आया था, उसके पास बहुत धन था लेकिन उसको स्वर्ग में जाना है। प्रभु जी मैं सारी आज्ञाएं मानता हूं, यीशु ने कहा तू एक काम कर, अपना सारा धन दौलत बेच दे, गरीबों को दे दे, फिर मेरे पीछे आना। लिखा है वो मुंह नीचे करके चुपचाप चला गया क्योंकि उसके पास धन बहुत था। किस प्रकार हमारा धन हमें प्रभु से, हम आज्ञाएं सारी मानेंगे उसकी तरह, सारी आज्ञाएं मानेंगे, लेकिन जो जो लोभ का मारा होता है परमेश्वर के पीछे चल नहीं सकता। गहाजी नाम का एक आदमी है, उसकी बड़ी बड़ी अच्छी कहानी हम पढ़ते हैं। एलिशा जो प्रभु का नबी था, उसने नामान आदमी के कोड़ को साफ कर दिया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुझे एक इनाम देना चाहता हूँ। गहाजी, उसने मना कर दिया कि मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। गहाजी के मन में लालच आया क्योंकि वो उसका असिस्टेंट था, तो हम अलीशा का असिस्टेंट था, उसको लगा यार इतना बढ़िया ये धन दौलत देने वाला था, ये इसने लिया ही नहीं। तो वो आदमी चला गया, चंगाई पाके चला गया, और इसको बाद में ख्याल आया यार मैं कोशिश करता हूँ क्या पता मुझे मिल जाए। ये उसके पीछे पीछे भागता है, उसके पीछे पीछे भागता है और झूठ बोलता है कि उससे जो सोना चांदी उसके बॉस को मिलने वाला था उसको मिल जाए, और उसको मिल गया, लेकिन बाद में पकड़ा गया। और बाद में उसको क्या इनाम मिला पता है? कि नामान का जो कोड था अब सारी उम्र तेरा हो जाएगा। धन दौलत तो उसने पा लिया ना, लालच मिल गया, लेकिन साथ में कोड मिल गया, लाइफ टाइम वैलिडिटी कोड की उसको मिल गई। सारी उम्र वो कोड में जिएगा, वही कोड जो नामान का शुद्ध हुआ था इसको विरासत में मिल गया। क्यों? इसने लालच किया। मेरा मन आपको बोलने के लिए ये कर रहा है कि जब हम लालच करते हैं, दिस इज व्हाट गॉड कैन डू टू अस। जब हम लालच करते हैं ना, प्रभु ये कर सकता है हमारे साथ कि इंस्टेंट या तो हमें नमक का खंभा बना सकता है, या तो इंस्टेंट हमें आग में जला सकता है, या इंस्टेंट हमें कोड हो सकता है। दिस इज व्हाट गॉड कैन डू इफ यू आर अ ग्रीडी पर्सन। लेकिन प्रभु इतना दयावान है, हमारे साथ ऐसा करता नहीं है। लेकिन वो चीज़ तब भी उतनी सीरियस है, प्रभु हमारे साथ उतने न्याय के साथ डील नहीं करता, ये उसका अनुग्रह है। लेकिन लायक हम इसी के हैं अगर हम लोभ लालच करते हैं। तो आप बोलेंगे भैया तो पैसे के पीछे पड़ गए,
लेकिन लेकिन ये मैं ज़्यादा समय क्यों, इसके बाद दो चीज़ें हैं फिर ख़त्म, लेकिन इसके ऊपर मैं ज़्यादा समय क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसी में संसार ज़्यादातर पड़ा हुआ है, इसी के पीछे भाइयों की नहीं बनती, इसी के पीछे माँ माता पिता और बच्चों की नहीं बनती, इसी के पीछे दो लोग ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक को ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, एक को कम मिल रही है, उसके लिए डिफ़िकल्ट है, उसके साथ मैं कैसे प्रेम से काम करूं, मैं भी वही काम करता हूं लेकिन उसको उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। इसलिए बच के रहें, लोभ से बच के रहें, आपके पास जो कुछ भी है यहीं पर धरा रह जाएगा, आपके पास जिन चीज़ों की भी आप जिन चीज़ों के पीछे आप पड़ रहे हैं। अभी कर्नाटका में इलेक्शंस हुए, कांग्रेस पार्टी के कितने थे पता नहीं, 78 उनके एमएलए थे, सोचो कितना जश्न मनाया होगा ना उस एमएलए, सारे के सारे एमएलए कोई भी पार्टी का हो, एमएलए अगर बन गए तो 5 साल की मौज है कि नहीं है, बोलो हाँ जी ना जी, मौज है। एमएलए बनने के 4-5 दिन के अंदर अंदर, सुन रहे हो ऊपर के लोग सब सुन रहे हैं, अभी नया नया एमएलए बना है, सुन रहे हो आशीष, 5वें दिन मौत हो गई एक्सीडेंट में, शायद घर में अभी भी 2 हफ्ते तक ढोल नगाड़े बजने का प्रोग्राम रखा होगा, लेकिन 5वें दिन एमएलए बनने के बाद मर गया, वो एक्सीडेंट में मर गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आदमी लोभी था, लालची था, मैं नहीं जानता हूँ उसको, मैं यही बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ की आप इच्छा रख रहे हो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी इस संसार के हिसाब से, लेकिन वो चीज़ कभी भी आपसे ली जा सकती है। इसलिए लोभ लालच से बचे। हम बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इस व्यक्ति में जिसका नाम यहूदा था, यीशु का चेला, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, यहूदा यीशु का चेला, जिसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए, वो 30 सिक्के जिसके लिए डे एंड नाइट ही वुड बी ड्रीमिंग, दिन रात वो सिक्के कब मिलेंगे उसको, वो दिन रात वो यही सपने संजोता होगा, रात को भी उसको चांदी के सिक्के नजर आते होंगे, लेकिन जिस दिन उसको चांदी के सिक्के मिल गए उसके लिए जीना मुश्किल हो गया और वो इतना दुखी हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। लोभ किया उसने, हाँ जी ना जी, सारे बोले लोभ किया, उसको जो चीज चाहिए वो मिल गई, क्या वो खुश रहा? यू विल सी, आप देखेंगे कि हर एक चीज़ के बारे में ये चीज़ सच होती है, जिस चीज़ का आप लालच करते हो वो चीज़ जब आपको मिल जाती है कभी भी आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु के सामने अपनी झोली फैलाओ, आपको जो भी चाहिए, क्योंकि जब प्रभु देता है तो उसमें दुख नहीं होता, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर देता है, बड़ी बड़ी चीज़ें देता है, अच्छी अच्छी चीज़ें वो मुझको हमें देता है। मेरे घर में आज जितनी भी चीज़ें, मैं जानता हूँ कि जब मेरा हम जब छोटे थे हमारे घर में वो चीज़ें नहीं थीं, प्रभु ने आज हमको दी हैं। मैं जानता हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास आज नहीं हैं, अगर प्रभु चाहेगा आज से 2 साल के बाद वो चीज़ें मेरी होंगी, जब मेरा खुदा मुझे देगा उसमें दुख नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लोभ लालच के साथ उसकी प्राप्ति करना चाहूँगा और प्राप्त कर भी लूँ तो उसमें सुख शांति नहीं होगी। और अंत में हम देखते हैं हन्ना और सफीरा, पति पत्नी, इनका भी लोभ लालच है नहीं, इनका एक और पाप ये भी था, इन्होंने दिखावा किया जेनरस होने का, दरिया दिल होने का दिखावा किया, लेकिन ये भी इनका पाप था कि इन्होंने लालच कर दिया, प्रभु के नाम के लिए अपना प्लॉट बेचा और चर्च में बोला कि हम सारा पैसा प्लॉट का चर्च में दे रहे हैं, लेकिन आधा पैसा खुद रख लिया। कहीं ना कहीं लालच भी उसका एक कारण हो सकता है। तो बाइबल से मैंने आपको कितने सारे उदाहरण दिखाए किस प्रकार लालच हमें नष्ट करता है। एवरीबॉडी सब अपना हाथ उठाएं और बोले लालच मुझे नष्ट करेगा। एवरीबॉडी से लालच, सारे बोले लालच करना, लोभ करना, चीज़ों का लोभ करना, धन का धोखा में पड़ जाना मुझे नष्ट करेगा। सिंपल है, फिर अभी आपने बोला नष्ट करेगा तो मत पढ़ना इन चीज़ों में। लेकिन अगर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, दबाओ मत, मैं ये मानता हूं दबाओ मत, प्रभु को बोलो। मोटरसाइकिल चाहिए, प्रभु को बोलो खुदा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझ पे दया कर, खुदा रास्ता खोलेगा। लेकिन झूठ बोल के और अलग अलग तरीकों से चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए आप बंद कर दें अपनी इच्छाएं प्रभु से। वचन में लिखा हुआ, पहला तीमोथियस में लिखा हुआ कि वो स्वयं हमें सब चीज़ें इंजॉय करने के लिए देता है। लिखा है कि सारी धरती उसकी है, जो कुछ धरती में है उसका है, क्यों नहीं दे सकता हमें, हम उसके बच्चे हैं।
लिखा है तुम अगर अपने बच्चों को तुमसे अगर रोटी अगर तुमसे रोटी मांगे तुम उनको पत्थर नहीं दोगे तो तुम्हारा परमेश्वर जो और तुम तो पापी हो तब भी अपने बच्चों के लिए भला काम करते हो अगर तुम अपने परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हें क्यों ना देगा. सो आस्क द लॉर्ड, परमेश्वर से मांगे लेकिन लोभ लालच अपनी ज़िंदगी से निकालें. हमें बहुत फास्ट जाना पड़ेगा. चौथी चीज़ जो है जो ज़िंदगी से निकालनी है वो है जलन, दूसरों को देख के जलन करना. जलन का एक और रूप है, सुन रहे हैं सारे इधर ही हैं, जलन का एक और रूप है वो ये है. पहला रूप जलन का मेन रूप क्या है, दूसरों की भलाई देखी और हम जल गए. दूसरा रूप क्या है, दूसरों का नुकसान देखा तो हम गदगद हो गए, खुश हो गए, ये भी जलन है. तो अगर आप दूसरों की खुशी से दूसरों की तरक्की से अगर आप जल रहे हैं ये आपका आंतरिक दुश्मन है जो आपको नष्ट कर रहा है. आपकी जलन का जरा सा भी असर उस व्यक्ति को नहीं हो रहा है, शायद प्रभु न्याय कर रहा है और आप जल रहे हो, प्रभु उसको आशीष दे रहा है. और अगर आप किसी और के नुकसान को देखकर खुश होते हैं तो प्रभु के सामने पश्चाताप करना जरूरी है. आप बीमार हो, बुखार है, आपको पेट में दर्द है, रहने दो. लेकिन अगर आपके दिल में जलन की भावना है पहले उसके साथ डील करो. बुखार श्राप नहीं होता लेकिन जलन ज़रूर श्राप लेके आता है. पेट का दर्द श्राप नहीं लेके आएगा लेकिन जलन ज़रूर तेरी ज़िंदगी में श्राप लेके आएगा. इसलिए किसी को भी और ये सब जब तक प्रभु के करीब नहीं हो ये सारी चीज़ें होंगी ज़िंदगी में. प्रभु हमें शुद्ध करता है. कैसे करता है, हम उसके नज़दीक आते हैं, उसकी रोशनी से हम भर जाते हैं और हमारी बुरी चीज़ें पिघल जाती हैं उसकी तेज में. सॉल्यूशन क्या है, अपने आप को शुद्ध करने का सॉल्यूशन क्या है, कोशिश करना, फ़ोन पे रिमाइंडर लगाना, हर एक घंटे मेरा फ़ोन बोलेगा जलन मत कर, जलन मत कर. ये है सॉल्यूशन जो वचन में आज बोल रहा हूँ, इसको बार बार सुनते रहने से ही केवल आपकी जलन दूर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी. जलन कैसे दूर होगी, प्रभु के करीब चले जाओ. जब आप प्रभु के करीब चले जाओगे उसके आसपास कोई अशुद्ध चीज नहीं टिक सकती. सो द मोर यू आर क्लोजर टू योर गॉड, जितने आप अपने प्रभु के करीब हैं आपकी सारी ये चीज़ें जल के नष्ट हो जाएंगी. विश्वास करो कि मैं आपको ना एक सीक्रेट बता रहा हूँ, सीक्रेट विश्वास करो. मैं आपसे विनती करता हूं, विश्वास करो इस समय जो मैं बोल रहा हूं कि अगर जो वो कुंजी है, अगर आप अपनी जिंदगी में सुधरना चाहते हो, सिद्ध होना चाहते हो, शुद्ध होना चाहते हो, पवित्र होना चाहते हो, उसका एकमात्र तरीका है परमेश्वर के करीब आ जाओ. प्रभु के करीब होंगे तो ये चीजें आपके लिए सचमुच में कुछ नहीं है, वो सचमुच हमें बदलता है. जलन करना बंद करें. एक दो उकाबों की कहानी थी, पंछी. पहला पंछी कहता है, पहले पंछी को जलन हो रही है कि वो पंछी मेरे से ज़्यादा ऊपर उड़ता है. उसने वो जो व्यक्ति जो बाण चलाता है उसको कहा कि तू एक काम कर, मेरे पास तेरे लिए इनाम है, वो देख तेरा इनाम, पर तू एक काम कर, तू उसको पहले ख़त्म कर दे. उस व्यक्ति जो बाण चलाता है उसने कहा लेकिन मुझे ना एक पंख चाहिए अपने बाण के लिए. बाण बोलते ना उसको, उसने कहा बाण, उसने कहा कि मुझे एक पंख चाहिए. उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तुझे देता हूँ, मैं तुझे अपना पंख देता हूँ. उसने अपना एक पंख दे दिया, उसको नष्ट कर दे. वो निशाना चूक गया, उसने कहा एक और चाहिए. और करते 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 ये पंछी जो कि जलन कर रहा था उसके सारे के सारे पंख खत्म हो गए. किसके कारण, जलन के कारण. दूसरे का नुकसान देखना चाहता है इसलिए खुद की कुर्बानी दिए जा रहा है, उससे बड़ा मूर्ख कौन है. इसको बाण वाला चतुर है, उसको लगा ये तो अब तो इनाम मेरे पास ही है. उसने क्या किया, उल्टा मुड़ा और उसी को ख़त्म कर दिया और खा लिया. इससे हम क्या सीखते हैं, जब आप किसी से जलन जलन रखते हैं आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं. मैंने आपको एक कहानी बताई थी, बिहार में एक डॉक्टर मतलब व्हाट इज द प्लेस, कोचीन, केरला का एक डॉक्टर जो कि प्रभु की सेवा भी करता है, वो बिहार में गया प्रभु की सेवा करने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दवाई देने के लिए. तो दवाई देने के लिए उसने अपना कैंप लगाया और जब वो लोग एक एक करके उसके पास आ रहे थे तो एक आदमी आया, उसने कहा कि वो चल नहीं सकता, 10 साल हो गए. उसने बोला कि तुम अपने घर में किससे नफरत करते हो.
उसने बोला कि मैं अपने भाई से मैं अपने दादा से नफरत करता हूँ क्योंकि जब मेरे दादा ने घर का बंटवारा किया था तो मेरे साथ हमारे परिवार के साथ अन्याय किया था। तो दादा के प्रति जो नफरत रखी हुई थी और उन लोगों को देख करके जो जलन इनको होती थी कि हमें तो कम मिला और मेरे चाचा के परिवार को ज़्यादा मिल गया। उसने कहा, बेटा मेरे पास तेरे लिए कोई दवाई नहीं है, आई हैव नो मेडिसिन फॉर यू, बट आई हैव वन एक दवाई है, तू एक काम कर, क्षमा कर और उन्हें आशीष दे। अपने दादा को और अपने चाचा को क्षमा कर और उन्हें आशीष दे और कल मेरे पास आना। उसने बोला, मेरे लिए मुश्किल है। प्रभु ने बोला, जो तेरे लिए मुश्किल है प्रभु तेरी जिंदगी में संभव कर सकता है, पर अगर तू ठीक होना चाहता है इस काम को कर। ही डिड नॉट गिव अ सिंगल टैबलेट, एक भी दवाई नहीं दी, 10 साल से वो चल नहीं सकता, नो मेडिसिन। ये बोला, तू उसको क्षमा कर और उसे आशीष दे। अगले दिन वो आ गया, चलता हुआ आया। हालेलुया, क्योंकि उसने क्षमा कर दिया। बहुत बार हमारी समस्याओं की जो जड़ होती है वो हमारी नफरत और हमारा जलन करना होता है। एक बार दो दुकानदार थे, दोनों दुकानदार एक दूसरे से बड़ा जलते थे। उनमें से एक दुकानदार क्रिश्चियन बन गया, विश्वास में आ गया, चर्च में आने लगा। उसने अपने पास्टर से बोला, पास्टर मैं ना मेरे दुकानदार से बहुत नफरत करता हूँ, मैं बहुत जलता हूँ उसको देख के, हमारी बनती नहीं है, लेकिन रोज़ उसको मेरे को ना ऊपरे मन से नमस्ते बोलना पड़ता है। उसने पास्टर ने बोला, तू एक काम कर, जैसा मैं तेरे को बोलता हूँ वैसा करना। उसने क्या किया मालूम है, उसकी दुकान में जब कोई सामान खरीदने आता था, जो सामान उसकी दुकान में नहीं है, इसने क्या किया, पहले क्या बोलता था, साथ वाली मार्केट में जाओ वहां मिल जाएगा जो सामान इसकी दुकान पे नहीं मिलता है। अब इसने क्या बोलना शुरू किया, जो सामान मेरी दुकान पे नहीं है वो बोलता था कि तुम सामने वाली दुकान में चले जाओ। तो जिससे वो जलता है उसकी दुकान में अपने ग्राहक भेजने लग गया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो सामने की दुकान वाला था उसकी दुकान से भी लोग इसकी दुकान में आने लग गए और दोनों अच्छे मित्र बन गए। जलन का, अगर आपको जलन से बाहर निकलना है तो उसका एक तरीका यह है, कष्ट उठा के प्यार करना शुरू करो। इग्नोर आप, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है तुम ना सोचो मत उनके बारे में, इग्नोर करो, अरे यार तुम कोई बात नहीं, तुम ना चर्च आते हो बस, तुम तो प्रभु का नाम लेके जाओ, तुम उनकी तरफ देखा ही मत करो, तुम्हें ये लोग चर्च में अच्छे नहीं लगता, डोंट लुक एट देम। ये सोल्यूशन नहीं है। Ignoring the people you are jealous of is not the solution. जिन लोगों को आप जलन करते हो, जिन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, उनको ignore करना solution नहीं है, उनको कुर्बानी करके प्यार करना solution है। जब आप कुर्बानी कर, कष्ट उठा के कुर्बानी वाला प्यार जब आप उनसे करना शुरू करेंगे, परमेश्वर धीरे धीरे संबंध ठीक करेगा। और अंतिम चीज जो है, जो आपका आखिरी दुश्मन है, वो है घमंड। सामने देखें, व्हाट इज द, पहला दुश्मन क्या है, व्यक्तिगत कमजोरी के पाप। दूसरा दुश्मन क्या है, हमारा गुस्सा या क्रोध। तीसरा दुश्मन क्या है, लालच। चौथा क्या है, जलन। और पांचवा दुश्मन क्या है, घमंड। घमंड, यीशु ने कहा था ना कि जो चीजें तुम्हारे अंदर से निकलती हैं तुम्हें अशुद्ध करती। कितनों को यह वचन याद है, हमने आज पढ़ाया था आपको कि जो चीजें तुम्हारे अंदर से निकलती हैं वो तुमको क्या बनाती हैं, अशुद्ध बनाती हैं। अब वो वचन दोबारा देखते हैं, फिर उसने कहा, मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वही उसे अशुद्ध बनाता है, क्योंकि मनुष्य के दिल के अंदर से बुरे विचार, अनैतिक कार्य, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, दुष्टता, छल कपट, अभद्रता, ईर्ष्या, चुगलखोरी और अहंकार, मतलब कि घमंड, हमारे अंदर से निकलता है। और अगर आपके अंदर घमंड है किसी भी बात का, इस बात का कि आप बड़े खूबसूरत दिखते हैं, इस बात का कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस बात का कि आप जिस प्रकार बात कर सकते हैं कोई और कर नहीं सकता, इस पे घमंड करते हैं कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो इस चर्च में आज तक किसी ने नहीं किया, तो आप हीरो बन गए। अगर किसी भी बात का आपके अंदर घमंड है, आपके घर परिवार में, समाज में, आपके दफ्तर में या आपके चर्च में, अगर किसी भी बात का आप घमंड करते हैं, वो घमंड आपको अशुद्ध बना रहा है। क्या बना रहा है, अशुद्ध बना रहा है आपका घमंड। पहले भी आप लोगों को सिखा चुका हूं कि संसार का पहला पाप फल खाना नहीं था, संसार का पहला पाप क्या था, घमंड। संसार का पहला पाप था जो शैतान ने स्वर्ग में कर दिया था। इसलिए अगर किसी भी बात का आप घमंड करते हैं तो पश्चाताप करना है। उल्टा बाइबल क्या सिखाती है, बाइबल क्या सिखाती है, सामने देखें, बाइबल कहती है नम्रता के कपड़े पहन लो। क्या सिखाती है,
नम्रता के कपड़े पहन लो। लिखा इसी प्रकार हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो और तुम सब के सब एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो। इंग्लिश में लिखा हुआ है बी क्लोथेड इन ह्यूमिलिटी, विनम्रता धारण करो, नम्रता के कपड़े पहनो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का तो विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आपको चाहिए प्रभु का अनुग्रह, तो दीन बनो, नम्र बनो। आपने जितने भी अच्छे काम किए अपनी शक्ति से नहीं किए, बाइबल कहती है सब अच्छी चीज़ें ऊपर से आती हैं। तो अगर आपने कोई अच्छा काम कर दिया है, वो इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप कर पाए हैं। इसलिए परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा की चोरी मत करो। जो महिमा परमेश्वर की होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, नहीं नहीं सचमुच परमेश्वर की स्तुति हो, उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये काम कर सका। इसलिए घमंड अपनी जिंदगी से बाहर निकालें। ये पांच चीजें आपके दुश्मन है। पहला दुश्मन, सब बोले क्या है हमारा पहला दुश्मन, सारे बोलो, ओके, सिंस ऑफ पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरी के पाप। दूसरा दुश्मन क्या है आपका, अपना हाथ उठाएं सब लोग। पहला दुश्मन क्या है, अंगूठा दिखाएं मुझे, पहला दुश्मन क्या है, बोलो, मेरी व्यक्तिगत कमजोरी। हाँ, दूसरा क्या है, क्रोध। तीसरा क्या है, लालच। चौथा क्या है, चौथा क्या है, जब आएगा तब पढ़ेंगे, चौथा क्या है, जलन। और पांचवा दुश्मन क्या है आपका, घमंड। ठीक है, इन चीजों के लिए प्रभु से आप दुआ मांगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।